हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय अपलोड्स। तो मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, ढोकला का रेसिपी। तो लग रहा है ना, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार। और ये रवा ढोकला है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कुछ किया है जिसके वजह से ये वाइट नहीं है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं और बढ़िया सा मज़ेदार ढोकला हम बनाते हैं। कीप सपोर्टिंग माय चैनल गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। रवा बारीक वाली सूजी मैं ले रही हूँ 1 कप। पानी मैं ले रही हूँ 1/2 कप। और प्लेन कर्ड मैं ले रही हूँ 1/2 कप। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। आपके पास बारीक रवा नहीं है तो, अगर थोड़ा मोटा टाइप का है तो ब्लेंडर चला के थोड़ा सा बारीक कर सकती है उस रवे को। तो ये हमारा बैटर तैयार है, इसे हम 10 मिनट रेस्ट करने देंगे। तो मैं 10 मिनट इसे ढक के छोड़ देती हूँ। जब तक हमारा बैटर रेस्ट करता है, मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ। गैस मैंने ऑन कर लिया है, मैंने एक बड़ा सा कढ़ाई रख दिया। इस कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रख दिया है, पानी भी रखा है स्टैंड के लेवल से। इसी में हम ढोकले को स्टीम करेंगे। तो चलिए ये पानी को उबलने देते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद हमारा देखिए बैटर कैसा लग रहा है। ये फूल गया है, जो दही और पानी था सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। आगे की स्टेप करते हैं हम लोग। अभी मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, नमक आप डालिए स्वाद अनुसार। मैं 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। आप अगर गार्लिक नहीं खाती है तो आप सिर्फ जिंजर का पेस्ट डाल सकती है, या ग्रेट करके थोड़ा सा जिंजर डाल सकती है। मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले रही हूँ, अच्छा सा लुक देने के लिए, अच्छा सा कलर देने के लिए, क्योंकि रवा ढोकला जो है वो प्लेन वाइट कलर का होता है। अगर आपको नहीं डालना है मत डालिए, मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसको अच्छा सा एक लुक देने के लिए। और मैं फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ले रही हूँ मुट्ठी भर, इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी बैटर के साथ। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए आप। तो हमारा बैटर तैयार है। हम इसमें एक पैकेट छोटा सा इनो डालेंगे, आप बेकिंग सोडा भी डाल सकती हैं। अभी हम थोड़ा सा पानी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए और ये इनो को एक्टिवेट करने के लिए डालेंगे, ज़्यादा पानी मत डालिए। तो हमारा बैटर तैयार है। ढोकला बनाने के लिए मैं ये केक टिन ले रही हूँ, ये स्क्वायर शेप का है। आपके पास जो टिन हो, जो बर्तन अवेलेबल हो, आप उसमें बना सकती हैं। मैंने इसके नीचे एक बटर पेपर लगा दिया है, ऑयल से ग्रीस करके मैंने बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाने से आपका ये तो अच्छे से निकल ही जाएगा, आपका ढोकला अच्छा बना। तो अभी फटाफट हम बैटर को इसमें पोर कर देते हैं। बैटर को डाल दिया है मोल्ड में, अभी हम इसको 2-3 बार ऐसे डैप करेंगे, जो एयर भरा है वो निकल आएगा। तो चलिए इसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं। पानी भी हमारा उबल चुका है और ये जो होल है मैं इसे बंद कर देती हूँ, ताकि सारा हीट ये इसी में आए, स्टीम सारा इसी में आए ढोकले में। मोल्ड को डालते वक्त आप स्टीम को लो कर दीजिए। तो मैंने मोल्ड रख दिया है, अभी मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। हम इसे 15 मिनट स्टीम करेंगे। 10 मिनट बाद आप एक बार चेक कीजिए आपका ढोकला रेडी हुआ कि नहीं। मैं 10 मिनट बाद एक बार चेक करूँगी, लेकिन 15 मिनट लगभग लग जाएगा इसे स्टीम होने के लिए। अभी मैं फ्लेम को फिर से हाई कर दूंगी इसे स्टीम करने के लिए, लेकिन पानी भी चेक करते रहिए आप। पानी सूखने मत दीजिए, अगर पानी कम हो जाता है तो थोड़ा पानी आप स्टीमिंग के लिए फिर ऐड कर दीजिए उसमें। 10 मिनट हो गया है,
लेकिन मैंने चेक किया था तो थोड़ा समय मैं और स्टीम करूँगी ढोकले को। 15 मिनट हो गया है ढोकले को स्टीम करते हुए, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ, तो देखिए हमारा टूथपिक क्लीन आ रहा है। तो ये ढोकला रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ, इसे ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी निकाल के मोल से। ढोकला हमारा ठंडा हो गया है, तो चलिए मोल से निकालते हैं। मोल से निकालने के लिए आप हाथों से ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो नाइफ की मदद से, साइड का जो है ना वो नाइफ की मदद से भी आप ऐसे कर सकती हैं। मैं हाथों से ही कर रही हूँ। तो चलिए इसे हम टर्न कर देते हैं। तो आसानी से निकल आया, मेरा बटर पेपर मोल में ही रह गया। तो चलिए इसे सीधा कर देते हैं। अभी इसे काट लेते हैं। आप अपने मन चाहे शेप साइज में काट सकती हैं। हमारा ढोकला बढ़िया सा जालीदार सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट बना है, जालीदार बना है, परफेक्ट बना है। तो चलिए अब इसकी तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैं थोड़े से करी लीव्स ले रही हूँ, थोड़ा सा हींग ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून चीनी ले रही हूँ, ग्रीन चिलीज 4-5 मैं ले रही हूँ, जिसको मैंने ऐसे बीच से स्लिट करके 2 हाफ में डिवाइड कर लिया एक चिली को, थोड़े से राई के दाने, और मैं लूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। गैस मैंने ऑन कर दिया है, तो मैंने पैन में ऑयल भी रख दिया है। तड़के के लिए आप मस्टर्ड ऑयल ना लें, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है वो ढोकला में आ जाएगा, तो आप रिफाइंड ऑयल ले तड़के के लिए। तेल हमारा गर्म हो गया है, मैं गैस का फ्लेम कम कर रही हूँ। पहले मैं राई के दाने डाल रही हूँ, अभी इसमें हींग जाएगा, मैंने करी पत्ता डाल दिया, अभी मैं ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, अभी हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसमें तो हमारा ये रेडी है तड़का। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और ढोकले के ऊपर हम इसे डाल देते हैं। ढोकला हमारा और भी सॉफ्ट हो जाएगा तड़का डालने के बाद। तो चलिए तड़का इसके ऊपर डाल देते हैं। ढोकला हमारा बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और सजाएंगे, थोड़ा सा और ब्यूटीफुल करेंगे इसको। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, आपके पास हो तो आप इसे इससे डाल सकती है, यूज़ कर सकती है, नहीं है तो स्किप कर सकती है। ये टेस्ट भी एनहेंस करेगा फ्रेश कोकोनट जो हम डालेंगे इसमें। तो देखिए लग रहा है ना बढ़िया, हमारा ढोकला कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। मैं आपको क्लोजअप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं एक पीस आपको दिखाती हूँ। देखिए क्लोजअप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है, बहुत ही बढ़िया बना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप मेरी तरीके से ये रवा ढोकला रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई अपलोड्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग माई चैनल विटी मम्मी शेफ, मच लव।